हेलो दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान और आप देख रहे हैं ऑल टाइप नॉलेज चैनल। वैक्सीनेटर और सहायक भाइयों के लिए और पशुपालन विभाग में जितने भी लोग काम करते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आपके लिए आया हूं, जो कि केंद्र सरकार की नीति है। जी हां, 9 जनवरी 2021 को 9 जनवरी को भारत सरकार ने एक बड़ा नीति बनाई है, एक बहुत बड़ी, जिसमें पशु वैक्सीनेटर, सहायक और पशुपालन विभाग में जितने भी लोग काम करते हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी अति आवश्यक लाइनें हैं जिन्हें आप लोगों को देखना चाहिए और सुनना चाहिए। इसलिए अब मैं एक एक करके आप लोगों को बताऊंगा। सभी लोगों को ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनना है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ठीक है? वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। मैं आप लोगों को, आप लोग अपनी स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट के थ्रू देखेंगे, बीबीसी न्यूज़ हिंदी माध्यम है स्रोत, ठीक है? बीबीसी न्यूज़ हिंदी के तहत गायों पर ज्ञान बढ़ाने के लिए देश भर में होगा एग्ज़ाम। जी हाँ, भारत सरकार एक एग्ज़ाम कराने के लिए जा रही है जो कि गाय से संबंधित है। पूरी जानकारी क्या है, कैसे आप लोगों को काम मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा, सारी बात इसमें है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अब अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, परीक्षा कराने जा रहे हैं। दरअसल केंद्र के पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत एक आयोग बनाया गया है जिसका नाम है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ये आयोग बनाया गया है और इसका नाम है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग अपनी तरह की पहली कामधेनु गो विज्ञान प्रचार प्रसार परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के चेयरमैन बल्लभ भाई कथीरिया ने बताया है कि ये परीक्षा हर साल कराई जाएगी। केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के जिम्मेदारी गिरिराज सिंह संभाल रहे हैं, जो कि एमपी हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, हम 25 जनवरी 2021 से राष्ट्रीय स्तर पर कामधेनु गो विज्ञान प्रचार प्रसार परीक्षा कराने के लिए जा रहे हैं। गाय में पूरा एक विज्ञान छुपा है जिसको खंगालना जरूरी है। देश की अर्थव्यवस्था को 5,00,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने में ये एक अहम भूमिका निभाएंगे। तो दोस्तों, 25 जनवरी से ये लागू होगी, ठीक है? 25 जनवरी को कामधेनु आयोग में सब लोगों के लिए काम निकलेगा और ये जो है देश की इकोनॉमी जो है वो 5,00,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने में एक सहायक होगी, ऐसा सरकार का मानना है। और इसकी आगे की बात सुनिएगा, एक परसेप्शन बनाने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। डेयरी एक्सपर्ट कुलदीप शर्मा कहते हैं ये एक तरह की सोच बनाने की कोशिश हो रही है, हालांकि देसी गायों के प्रति लोगों की जानकारी बढ़ाने के लिहाज से भी ये ठीक है, ठीक है? वे कहते हैं, लेकिन अगर किसानों से पूछा जाए तो वे इंसान इनसे होने वाली कमाई का पैसे पैसे का हिसाब बता देंगे। जानकारी बढ़ाने के लिए लिहाज से ये क्विज ठीक है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर गायों से किसानों की कमाई कितनी है और कैसे बढ़ेगी, इसके लिए नीतियां बनाने का ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गायों के संबंध में सरकारी नीतियां समझ से परे हैं। किसान अपनी गाय बेच पाते हैं और वे उन पर बोझ बनी रहती हैं, यानी किसान अपनी गाय बेच नहीं पाते हैं, वो उन पर बोझ बनी रहती हैं। गायों के ट्रांसपोर्टेशन की भी एक बड़ी समस्या है। मैं आप लोगों को बता दूं, ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 12 क्षेत्रीय भाषाओं में कराई जाएगी। इसकी कामधेनु आयोग में जो गायों को लेकर परीक्षा होगी वो 12 क्षेत्रीय भाषाओं में कराई जाएगी, हिंदी इंग्लिश में भी कराई जाएगी, ठीक है? कथीरिया ने कहा, कामधेनु गो विज्ञान प्रचार प्रसार परीक्षा एक ऑनलाइन एग्जाम होगा, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और 12 क्षेत्रीय भाषाओं में 75 बहुविकल्पीय सवाल होंगे। जी हाँ दोस्तों, समझने की बात है, 75 नंबर का पेपर होगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है? बहुविकल्पी सवाल होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव होंगे, बस टिक करने वाले, 75 इसके अंदर सवाल होंगे। और ये परीक्षा 1 घंटे की होगी और इसमें 4 कैटेगरीज होंगी। ये परीक्षा प्राइमरी लेवल 8वीं कक्षा तक, सेकेंडरी लेवल 9 से 12 तक, कॉलेज लेवल 12वीं के बाद और आम लोगों के लिए होगी। इस परीक्षा के लिए कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क लिया नहीं लिया जाएगा। इस परीक्षा से संबंधित संदर्भ किताबें और दूसरे स्टडीज मटेरियल को कामधेनु आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। परीक्षा के नतीजे 26 जनवरी 2021 को घोषित कर दिए जाएंगे। इसमें सफल होने वाले प्रतियोगी को नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बता दूं,
25 जनवरी को इसका एग्जाम होगा, अगले दिन 26 जनवरी को जो है इसका रिजल्ट आ जाएगा। और इसकी तीन कैटेगरीज में होंगी ये, आठवीं कक्षा वाले, आठवीं से दसवीं तक, और दसवीं से बारहवीं तक, और उसके बाद स्नातक वाले यानी ग्रेजुएट। ठीक है, अलग अलग लेवल पे होंगी, उनके क्वेश्चन अलग अलग क्लास के हिसाब से दिए जाएंगे, और जो भी इसमें उत्तीर्ण होगा उसको पुरस्कार भी दिया जाएगा। और इसमें होने वाले आगे फायदे मैं आप लोगों को बताता हूँ। 2019 के अंतिम बजट में वित्तीय मंत्री पीयूष गोयल ने कामधेनु आयोग बनाने का ऐलान किया था। बजट भाषण में उन्होंने कहा था, मुझे राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के गठन का ऐलान करते हुए गर्व हो रहा है, ताकि गो संसाधन के स्थायित्व भरे जेनेटिक अपग्रेडेशन को किया जा सके, साथ ही गायों के उत्पादन और उत्पादकता को भी बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा था कि ये आयोग गायों से संबंधित कानूनों और वेलफेयर स्कीमों को प्रभावी तौर पर लागू करने का भी काम करेगा। गोयल जी ने यह भी कहा था अपने बजट में, गोमाता के सम्मान में और गोमाता के लिए ये सरकार कभी पीछे नहीं हटेगी, और इसके लिए जो भी जरूरी होगा किया जाएगा। इसी बजट में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए आवंटन को भी बढ़ाकर 750 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब अगली बात मैं आप लोगों को बता दूं, कामधेनु आयोग की अधिकारी वेबसाइट पर लिखा गया है कि आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर गायों का पशुपालन करने और नस्लों को संरक्षित करने और उनमें सुधार करने, गायों के बछड़ों के कटान को रोकने के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का गठन किया गया है। पशुपालन मंत्रालय के मुताबिक भारत में गायों की 43 नस्लें पाई जाती हैं, और इसके बाद 30 से 35 फीसदी देसी गाय, बाकी 10 से 15 फीसदी एचएफ या जर्सी गायें हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर मैं आप लोगों को मोटी मोटी बात बता दूं, कामधेनु आयोग बनाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, और उसका 25 जनवरी को पेपर होगा। इसमें वैक्सीनेटर, सहायक, पैरावेट, पशुपालन विभाग में जितने भी लोग काम कर रहे हैं सबको मौका दिया जाएगा और वरीयता भी दी जाएगी। आप लोग पहले से काम कर रहे हैं इसलिए आपको वरीयता मिलेगी, इसलिए सभी वैक्सीनेटर, सहायक, पैरावेट इसमें अवश्य जो है हिस्सा लें और इसका एग्जाम दें। जो 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 भी शख्स इसमें उत्तीर्ण होगा वो भारत सरकार के कामधेनु आयोग के अंडर काम करेगा, अच्छी सैलरी मिलेगी, सब कुछ बढ़िया चलेगा आप लोगों को। तो इसमें फॉर्म डालना बिल्कुल भी नहीं भूलें, 25 जनवरी को पेपर होना है, अभी जाइए और उसकी कामधेनु आयोग की वेबसाइट पर जाइए, उसका जो जो भी मटेरियल दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चन दिए हुए होंगे ऑब्जेक्टिव, ज़्यादा कुछ बहुत सारा इसमें मटेरियल नहीं है, उनको आप पढ़ लेंगे, दो चार बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा। ठीक है, उसके पश्चात आपको 25 जनवरी को ऑनलाइन ही पेपर देना है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं। ठीक है, अपने सिस्टम पे खोल करके ऑनलाइन आपका पेपर होगा, और पेपर होने के बाद अगले ही दिन रिजल्ट आ जाएगा, तुरंत एकदम आपका इसमें चयन होगा, और काफ़ी सारी सुविधाएं आप लोगों को दी जाएंगी, आप सरकार के अंडर चले जाएंगे, सरकारी हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और अगर जो भी मेरा भाई चैनल पर पहली बार आया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मेरी वीडियो 59% वो लोग देखते हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और 41% वो देखते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया। तो दोस्तों मैं लगातार अपनी निगाह नज़र सरकार की नीतियों के ऊपर बनाए रखता हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी खबर आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले करें। ठीक है दोस्तों, इससे मेरा उत्साह बढ़ेगा और मैं और ज़्यादा जो है आप लोगों की मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।